ताकत लगा रही हो, तब से पूछ रहा हूं तुमसे, ये क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? जवाब दो, चुप क्यों हो? और वो खंजर वो क्या था? हाँ, मेरी माँ को तुम मारना चाहती हो ना उस खंजर से, बोलो। मुझे इसका ये पोखराज निकालना होगा, तभी सच सामने आएगा कि ये ईरावती के वश में है कि नहीं। सूर्या! तो अब बताओ मुझे, बताओ मुझे कि सच क्या है, बताओ मुझे कि सच क्या है। आवाजें तो यहीं से आ रही है, वो राक्षस यहीं कहीं होगा, द्वार भी खुला है, चलो। छोड़ो मुझे, जाने दो। ये तो सूर्या की आवाज है, चलो मेरे साथ। फिर तुम मुझे क्यों उठा के लाओ यहाँ पे? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या काम करवाना चाहते हो तुम? जब से विजयगढ़ आई हूँ तब से कोई ना कोई उठा के ले जा रहा है, छोड़ो मुझे, जाने दो। नाटक करना बंद कर, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। बंद करो मेरे नाटक। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। अगर भगवान के रूप में आप यहाँ नहीं आती तो ये गेंडा पता नहीं मेरा क्या हाल करता। ये वो क्या रहा है? चंद्रकांता ने खंजर हासिल किया कि नहीं? माँ, इस पे विश्वास मत करो आप, झूठ बोल रही है ये। वीर यहाँ, इसने चंद्रकांता को खंजर लेते देखा तो नहीं? और जो भी देखा ईरा को बता दिया तो? जल्लाद है आपका बेटा, तीसरी बार अगवा कर रहा है सूर्या को। अब इससे बड़ी सजा मिलेगी या नहीं? या भी नहीं देंगे आप? तुम यहाँ के न्यायाधीश नहीं हो, समझे तो बनो मत। तुम्हारी सीमा चंदनगढ़ तक है, वहीं रहो। माँ यह लड़की झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। बस चुप हो जाओ वीर, सारी हदें पार कर दी है तुमने, अब मुंह बंद करो इसका। माँ मेरी बात सुनिए, मेरी ये गेंडा बहुत ही बदतमीज है, मुझे जबरदस्ती आप खींच के लाया। कुछ तो चाहता था वो यहाँ से, कि मैं यहाँ से लेकर आऊँ, कुछ तो यहाँ पे जो वो मुझसे हासिल करवाना चाहता था अपने लिए। बस बहुत हो गया, महारानी जी ने कहा चुप तो चुप। महारानी जी, इन्होंने नाटक किया और फिर वहाँ हमें छल से बांधकर भाग गए। सुना आपने, इसे बेड़ियों से बांधकर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए आप। होगा आपका बेटा, लेकिन सूर्या के लिए बहुत खतरनाक है, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इसे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है इसकी बात सुनने की, इसे तो जानवर भी काट जाए ना तो भी कुछ ना करे ये। इसे काल कोठरी में बंद कर दीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे। चुप, जाओ जाके इसे काल कोठरी में डाल दो। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैंने बताया ना आपको, वो गेंडा मुझे घसीटता हुआ यहां लेकर आया और जादू से गुफा खोल दिया। पता नहीं क्या मांग रहा था वो, कुछ तो लेना चाहता था मुझसे यहाँ पे। पता है आपको, महल से घसीटता हुआ लेकर आया मुझे यहाँ पे। हाँ, और वो मैं सूर्या को ढूंढने महल आया था, मिली नहीं मुझे। फिर जंगल में अचानक मुझे चीख सुनाई दी तो चीख का पीछा करते करते मैं यहाँ पहुंचा और ये देखा मैंने। रानी जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब राजकुमार ध्रुव, आप सूर्या को महल ले जाइए और तुम मेरे साथ चलो। आप सूर्या की चिंता ना करें रानी जी, पर हाँ, अपने दोनों बेटों को वश में करने के बारे में सोचिए। एक काम बोला था, एक काम, वो भी नहीं हुआ। अरे किया ना, मेरा मतलब है मैं गई थी उसके अपने वीर के कक्ष में। जब मैं वहां गई थी ना, मेरे दिल के टुकड़े 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 हो गए थे। पूछो कैसे, क्योंकि वो तो ऊपर सो रही थी और मेरा वीर बेचारा जमीन में सो रहा।
उन दोनों ने मिलके तुम्हें गुमराह कर दिया और तुम गुमराह हो गई। उन दोनों को पता चल गया होगा कि तुम उन दोनों का पीछा। और सूर्या आखिर वहां गई क्यों? वीर लेके गए थे ना, उसने ऐसे तो बोला था हमें। झूठ बोल रही है। जिस तरह वो बात कर रही थी उसका इशारा इस तरफ था कि वीर उसे वहां जबरदस्ती ले गया उससे वो खंजर हासिल करने के लिए। ये नहीं हो सकता क्योंकि वीर को तो वो जगह तक याद नहीं, और सूर्यकांता भी नहीं। उसके हाथ में जो हमने जादुई बंधन बांधा था कहीं खो तो नहीं गया, कहीं टूट तो नहीं गया, कहीं से सब कुछ याद तो नहीं आ गया? नहीं, उसे कुछ नहीं आता है। उसने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है सूर्य और ध्रुव ने मिलके किया है। पर कौन सा सच छुपाना चाह रहे हैं वो मुझसे? मैं वो सच जानना चाहती हूँ। आज रात को जब सब लोग सो जाएंगे तब तुम मेरे लिए वो सबूत लाओगी। कोई भी सुराग मिले, कोई भी सबूत मिले, तुम मुझ तक लाके दोगी, समझी? तुम मेरे राजपाट की बुनियादें डामाडोल हो रही, मेरे स्वयं की जान खतरे में, और सिर्फ एक वीर है, सिर्फ वीर जो मेरे स्वयं को मुझ तक वापस ला सकता है। आज रात को मैं वीर को आजाद कर दूंगी, ठीक है? और मैं आपका हर काम पे आपका साथ दूंगी। आप ना मेरे काम कर दीजिएगा, मेरे वीर को इस बार ना उस चुड़ैल सूर्यकांता से बचा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बस आज रात को सूर्या के सारे काले कारनामे सामने आ जाए, फिर उसकी कहानी खत्म। इतने दिनों से मेरे सामने था, मुझे दिखा क्यों नहीं? इसलिए इतना अजीब सा बर्ताव था उसका, कभी कुछ कभी कुछ। चंद्रकांता, तुम्हें वो तिलस्मी खंजर मिला? सब उस पोखराज की वजह से हो रहा है, इसलिए वीर इतना बदल गया। मैं ही बेवकूफ थी जो समझ नहीं पाई। चंद्रकांता, वो तिलस्मी खंजर कहाँ है? नहीं ला सकी। वीर को आग की लपटों में देख के मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उसे बचाने चली गई। और मैंने तुमसे कहा था कि वहां जो कुछ भी दिखेगा वो सच नहीं है, विश्वास मत करो उस पर। सब आंखों का धोखा है, भ्रम होगा सब कुछ जो दिखेगा। लेकिन वो सब कुछ असली दिख रहा था। एक अमावस चली गई, एक मौका तुमने हाथ से खो दिया उस वीर के लिए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम गलत कर रही हो, उस वीर के लिए अपना लक्ष्य भूल रही हो तुम। उसे कालकोठी में भी नहीं डालना चाहती थी तुम। बहुत गलत कर रही हो तुम। गलत तो हम कर रहे हैं वीर के साथ कि वो बदल गया है। वो बदला नहीं है, इरावती ने उसे अपने वश में किया हुआ है। और इसका हमारे साथ क्या संबंध? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। पता नहीं कितनी बार मैंने वीर को मारने की कोशिश की, उस इंसान को मारने की कोशिश की जो खुद नहीं जानता कि वो है कौन। इरावती उसे अपने वश में कर रही है जैसे हम भद्रा को अपने वश में कर रहे हैं उस पोखराज से। भद्रा शैतान है, दुश्मन है हमारी। पर वीर नहीं है ऐसा। ये मेरा वीर है, ये बस इरावती का काला जादू है। एक बार वो पोखराज निकल जाए उसके हाथों से, फिर तुम देखना जो सच में वीर है, जो बहुत अच्छा है। उस दिन जब वो नीचे गिर गया था, मुझे वो कुटिया ले गया अपनी माँ से बचाने के लिए। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जानता हूँ मेरी माँ बहुत बुरी है, मुझे मार देगी। फिर अचानक इरावती वहां पे आ गया और वो बदल गया। उसे पता नहीं क्या हो गया, वो बदल गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरा वीर मुझे वापस मिल गया, जिसे मैंने प्यार किया। कहीं तुम्हें उससे वापस प्यार तो नहीं हो गया जिसकी वजह से हमारे लक्ष्य को तुम कुर्बान कर रही हो? नहीं, मैं बस अपने बाबा की बातों पे चल रही हूँ। मैं एक बेगुनाह को सजा नहीं दे सकती। पता नहीं कितनी चोटें दी है मैंने वीर को, तू मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। आज कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वीर के पास, वो पुखराज उतारने। मैं जानती हूँ तुम वीर को पसंद नहीं करते हो, लेकिन मेरा यकीन करो, एक बार वो पुखराज उतर जाए, इरावती का जादू उतर जाए, तो वीर खुद हमारी मदद करेगा वो तिलस्वी खंजर लाने में। चंद्रकांता, मेरी बात सुनो। इस वक्त अगर तुम वीर के पास जाओगी तो इरावती को शक हो जाएगा। सुबह तक रुको, मैं कोई ना कोई योजना जरूर बनाऊंगा जिससे कि मैं वीर को भी निकाल सकूं और उस पुखराज को भी। सुबह तक समय दोगी? अब मेरी खातिर सो जाओ, आराम करो, मुझ पर विश्वास रखो। चलो आओ। ध्रुव, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, वो खंजर हासिल करने के लिए जो मेरा लक्ष्य है और तुम्हारा भी।
हाँ, एक वही मेरा लक्ष्य है। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सूर्या इतनी रात को उस गुफा में क्या कर रही थी? और वो खंजर क्या था? क्या उससे जादू आता है? उसने ये सब मुझे फंसाने के लिए ही किया है। उसने कहा कि मैंने उससे जबरदस्ती शादी की, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो मैं शादी कैसे करूंगा? मैं उस कुटिया में कैसे गया? क्या कर रहा था मैं? और वो सूर्या वहां क्या कर रही थी? वीर, इतने सारे सवाल और जवाब एक भी नहीं। अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो है मेरी माँ, लेकिन ये लोग मुझे मेरी माँ से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। क्या करूं? कैसे भी मुझे वीर को कालकोठरी से निकालना होगा। उस दुष्ट इरावती के चंगों से छुड़ा के उसे इरावती के जादू से बाहर निकालना होगा। कोई आ रहा है, लता माँ आई है। हम आई हो सकती है। वो सूर्या की बात का विश्वास क्यों करेगी? वो मुझे यहाँ पे आजाद करने के लिए आ रही है। एक वीर ही है जो मेरे स्वयं को मुझ तक वापस ला सकता। चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो मेरे साथ। अभी यही था, कहां चला गया? महारानी जी, यहां तो कोई नहीं आया। अगर यहां कोई नहीं आया तो वीर गया कहां? बोलो कहां गया? चुप क्यों खड़े हो तुम सब लोग? बता क्यों नहीं रहे? जाओ, जाके वीर को ढूंढ के लाओ। कहीं से भी ढूंढ के लाओ, जाओ। बताओ कि कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? बताओ।
किया है। बाहर आओ, बाहर निकालो मुझे यहां से। बोलो तो सूर्या तो अपने कक्ष में। मेरा जादू कौन रोक रहा है? जरूर ये ध्रुव का ही काम है। ध्रुव ही वीर को लेके आए, मुझे पूरा यकीन है। और अगर ऐसी बात है तो ध्रुव अपने कक्ष में नहीं होगा। जाके देखते हो। किसी ने ध्रुव को देखा है? नहीं महारानी, वो यहाँ तो नहीं आए, शायद अपने कक्ष में होंगे। ध्रुव भी यही है, सूर्या भी यही है। अगर ये दोनों यहाँ हैं, तो फिर वीर को कौन ले गया है? कहाँ ले गया है? वीर, कहीं वीर के साथ कुछ गलत? ये मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसे बहुत बुरा होने वाला है। जाओ जाके इसे काल कोठरी में डाल दो।
बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुमसे तो प्यार करना सिखाया मैंने, तुम्हारे आने के बाद तो जीना सिखाया मैंने। इतना प्यार करता हूं तुमसे। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हें देखना है, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने ध्रुव को वचन दिया है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊं। मुझे सुबह होने तक का इंतजार करना होगा और मैं करूंगी। अब ये पागलों जैसे क्यों हंस रही है? वो क्या है ना रानी जी, कि मैंने ही इनको बोला था कि जादू करके ना मेरे वीर को देख ले। पर ये बुढ़िया, ये तो पागल ही हो गई है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं क्या? हा? छिपकली ये हमको बोली कि ऊपर से एक आदमी को टपका दो। देखो अभी हम कोशिश करते हैं। हाँ, धूम पटाका, खन 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 खन, सोना बरसे। बरसा? सोना बरसा? नहीं बरसा, नहीं बरसा। चुप। मुझे लगता है पत्रमा के सितारे डूब रहे। अब मुझे ही अपने दोनों बेटों को ढूंढना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे ही राज्य में मेरी ही नाक के नीचे साजिश रची जा रही है, खेल खेला जा रहा है और मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये कौन कर रहा है। मैं तो आपको अब भी कह रही हूँ कि सूर्यकांता की चाल है सारी। आप समझने की कोशिश करो रानी जी। चुप, एकदम चुप। बार बार एक ही बात, सब सूर्य ने किया है। सबूत है कोई तुम्हारे पास? नहीं है ना, तो चुप बैठो। ये जो कोई भी है बहुत शातिर है, सामने है पर सामने नहीं आ रहा। कहीं रानी जी वीर खुद तो नहीं भाग गया काल कोठरी से? मेरा मतलब है कि जादू करके? नहीं, उस काल कोठरी में मेरा जादू था, किसी और का जादू वहां चल ही नहीं सकता था। और वीर भागता क्यों? उसे तो मुझसे बात करनी थी। अगर भागता तो सीधा मेरे पास आता। हाँ, असली वीर होता तब आता ना। मेरा मतलब है कि रानी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि कालकोठरी में जो हमने उसको जादुई बंधन बांधा था वो टूट गया हो, कहीं गिर गया हो, कहीं वो पुकरास तो नहीं गिर गया, कहीं उसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया? बैठ जाइए आप। रानी जी पुकरास गिर सकता है ना? नहीं, अगर वो गिर जाता तो वीर मेरे सामने आता, मुझसे लड़ता कि मैंने उसकी चंद्रकांता को क्यों मार दिया। पर वो नहीं आया है, इसका मतलब वहां कोई और आया है, कोई ऐसा जो वीर को अपने साथ ले गया है, जिसके पास मेरी जितनी शक्तियां हैं। पर ऐसा कौन आया है? कौन? हीरावती ने तो गायब नहीं किया उसे? पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या होता है?
हाँ, लेकिन चंद्रकांता उसे बाहर निकालने से पहले ही वो भाग गया। मैं कहा भाग गया मतलब क्या? वो काल कोठरी में एक सैनिक मरा पड़ा हुआ था, लगता है किसी ने उस पर काला जादू किया था। उस सैनिक ने वीर को रोकने की कोशिश की होगी, भागते वक्त वीर ने उसे मार दिया होगा। मैं क्या करूं? वीर ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर इरावती ने किया। कहीं इरावती को हम पे शक तो नहीं हो गया कि हमें वीर की जरूरत है? क्या जरूरत थी मुझे इरावती को झूठ बोलने की उस तिलस्वी खंजर के लिए कि वीर मुझसे कुछ हासिल करना चाहता था इसलिए मुझे उठा के ले गया था? वो तो झट से समझ गई होगी ना कि मैं उस तिलस्वी खंजर की बात कर रही हूँ। पता नहीं वो वीर के साथ क्या कर रही होगी। मुझे उसे बचाना है, मुझे उसे ढूंढना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस वक्त हम सिर्फ खंजर के पीछे जाएंगे। वीर को उसके हाल पे छोड़ दो चंद्रकांता। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। कल ही मुझे लगा था कि मुझे चल जाना चाहिए वहां पे, लेकिन मैं नहीं गई। अब पता नहीं वो कहां चला गया। चंद्रकांता अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। अब मेरा पहला लक्ष्य वीर है। मुझे ये पता करना है कि वीर ठीक है कि नहीं। मुझे वीर को ढूंढना है। दे रहा है। कौन कैद करके गया है मुझे यहां पे? वीर तुझे किसी भी तरह से यहां से निकलना होगा। मेरा जादू यहां काम नहीं कर रहा है। कितना अंधेरा है यहां। कोई गहरा सूखा कुआं है, लेकिन इसमें मुझे किसने कैद किया? क्यों कैद किया? कौन हो सकता है ये? कोई है? कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? कोई मदद करने नहीं आने वाला। मुझे खुद यहां से निकलना होगा। नहीं सुना। क्या हो गया, तुम्हें चोट लगी है? नहीं, बस कुछ कुछ खास नहीं। तो हमें वीर को ढूंढना होगा। वो यहीं कहीं है। नहीं,
हम सबसे पहले इरावती के पास जाएंगे। इरावती के पास क्यों? क्योंकि हो ना हो वीर को इरावती ने गायब किया होगा, और अगर वीर ने उसके सामने मुंह खोल दिया ना तो हम डूब जाएंगे। हमारे लिए सबसे बढ़कर है तिलस्मी खंजर तक पहुंचना, कुछ है उससे बढ़कर? वीर, तुम अब तक वीर, मेरा मतलब है इस वक्त खंजर से ज्यादा वीर की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। ध्रुव वीर निर्दोष है फिर भी उसकी सजा भुगत रहा है। सोचो मैं कब से नफरत करती आ रही हूँ उससे, कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से हो गया, वो इतना बदल गया, जरूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, हो सकता है उसके साथ कुछ हुआ होगा इसीलिए वो इतना बदल गया है। अगर वीर को कुछ हो गया तो मैं उस शर्मिंदगी का बोझ कभी नहीं उठा पाऊंगी कि मैंने अपने वीर की जान। मेरा मतलब है मैं इंसानियत के नाते अपने सर्व गुना नहीं ले सकती। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं अपने लक्ष्य भटक गई? नहीं, मुझे लगता है कि अगर वीर से वो पुखराज का जादू हट गया तो वीर हमारी मदद करेगा वो खंजर ढूंढने में, अपने माँ के खिलाफ जाके हमारे साथ लड़ेगा। उस पर इतना विश्वास? हाँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीर को ही ढूंढेंगे, उसके लिए चलो इरावती के पास। तेज, तुम ये भेष क्यों बदल रहे हो? क्योंकि आज हमें विजयगढ़ की महारानी इरावती से मिलना है। पर तुमने अगर भेष बदल दिया तो इरावती तुम्हें पहचानेगी कैसे? यही तो मैं चाहता हूँ कि वो हमें ना पहचाने। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आज वो एक अजनबी से मिलेगी, तेज को, जिसे वो पहले कभी नहीं मिली। इसलिए मुझे अपनी आवाज भी बदलनी होगी ताकि इरावती मुझे पहचान ना पाए। उसकी हदों को, उसकी शक्तियों को और उसके जादू को तो वो बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन इस अजनबी को वो नहीं जानती। वो उसके लिए एक राज होगा, एक ऐसा राज जिसकी हदों को भी नहीं जानती। जानते हो उमंग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर होता है एक अजनबी से मिलना, और उसकी शक्तियों का दुश्मन को अंदाजा भी ना होना। बस इरावती के चेहरे पे मैं एक बार वो डर देखना चाहता हूँ, और एक बार ये आ गया ना तो फिर उसे घुटनों पर लाना बहुत आसान होगा। पर तुम्हें लगता है कि इरावती अपने घुटनों पर आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि उसके घुटनों की ताकत, उसके जिगर का टुकड़ा, उसका अपना बेटा स्वयं हमारे कब्जे पर है, और वो अपने बेटे स्वयं के लिए कुछ भी करेगी, देखना तुम। आप सब लोग को पता है ना कि आपको क्या करना है? हाँ, हम सब तैयार हैं। आपने हमें उस राक्षस के कहर से बचाया, अब आप हमें उस दुष्ट रानी के कहर से और बचा लीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो फिर चलो। सूर्या के पति से पीछा छुड़वाने के लिए कहीं भगा दिया उसे ताकि उसे सजा न देनी पड़े। क्यों? बस बहुत इल्जाम लगा दिए तुम दोनों ने मुझ पर। मेरा एक बेटा जंगल में और दूसरा पता नहीं कहाँ है। मैं तो खुद चाहती थी कि वीर मेरी आंखों के सामने रहे, मैं उसे क्यों भगाऊंगी? हो ना, इस सूर्या को उससे बहुत नफरत थी, इसी ने मेरे बेटे को छिपा के रखा है। पता नहीं कौन से हाल में होगा मेरा बेटा। आपका बेटा नहीं, बेटा नहीं, मेरा पति, मेरे पति को आपने गायब किया। बताइए कहाँ है वो? चंद्रकांता भावनाओं में बह के अपने दिल के भेद खोल रही है। ये ऐसे ही बोलती रही तो हम दोनों के भेद खुल जाएंगे। बताइए कहाँ है वीर? सामने लाइए उसे, हमारे सामने सजा दीजिए उसे, ताकि तसल्ली हो जाए हमें कि दोबारा सूर्या के पीछे नहीं जाएगा वो। वही कर रही हूँ मैं, पर तुम दोनों मुझ पे इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, और इल्जाम वही लगाता है जिसके मन में चोर होता है। ये गलत फहमी है आपकी। ये मेरी गलत फहमी नहीं, मेरा शक है जो अब यकीन में बदल रहा है। बताओ मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है? जब से यहाँ आई हो तब से मेरे बेटे को सजा देने और दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। बताओ कहाँ छुपा रखा है उसे? बोलो, जब से इस महल में आई हो तब से यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो रहा है, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। बहुएं शगुन लेकर आती हैं और तुम अपशगुन पे अपशगुन लाई हो। बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बोलो। आप भूल रही है, आप विजयगढ़ की भावी रानी से बात कर रही है। और तुम भूल रही हो कि मैं विजयगढ़ की रानी हूँ, जो मुझे भावी रानी बनाने और अपने राक्षस बेटे से शादी करवाने के लिए विजयगढ़ के इस महल में लेकर आई। और वो भी एक राक्षस बेटा नहीं, दो दो राक्षस बेटे मेरे झोली में डाल दिए। और एक राक्षस बेटा जो मुझसे शादी करना चाहता था, और एक राक्षस बेटा जिससे मुझे शादी कर ली, और शादी करके पता नहीं कहाँ गायब है, क्या क्या काम करता रहता है।
पर मेरा वीर ऐसा नहीं है। अच्छा तो कैसा है तुम्हारा वीर? तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर, कहीं ज्यादा। तुम्हारी खुद की तो कोई औकात नहीं, तुम जैसे हजारों गहने पहन के उतार के फेंक चुकी हो, और तुम वो गहना जिसे आज तक किसी ने पहना नहीं। मेरे तुम्हारे वही गहने ना तुम जैसी लड़कियों ने पहने, समझी तुम? महारानी जी, महारानी जी, गांव वालों ने कर भरने से मना कर दिया है, वो कह रहे हैं कि रानी इरावती के सामने कोई नहीं झुकेगा। लगता है आज गांव वालों की मौत आई है, और सबकी मौत एक साथ आई है, और उनके साथ तुम लोगों की भी मौत आई है। गांव वालों ने कर देने से मना कर दिया, और तुम लोग ये खबर मुझ तक लिया है। उन्हें सबक नहीं सिखा सकते थे? क्षमा करिए महारानी जी, आप खुद चलकर देख लीजिए, अब तो पूरे गाँव का नजारा ही बदल गया है। गाँव बाद में, पहले वीर। हाँ, पहले वीर को ढूंढिए और उसे सजा दीजिए। नहीं नहीं, वीर को ढूंढने की फिक्र तुमसे ज्यादा मुझे, और उससे पहले मुझे अपनी प्रजा की फिक्र है। कुछ दिनों से इतने हादसे हो रहे हैं कि मेरा ध्यान भटक गया है, और मेरी प्रजा मेरे खिलाफ हो चुकी है। इसीलिए वीर को मैं बाद में ढूंढूंगी, पहले मैं अपनी प्रजा से निपटूंगी। ध्रुव अब क्या करें? हमें वीर को ढूंढना होगा, और हो ना हो इस इरावती ने वीर को इसी महल में कहीं ना कहीं छुपाया होगा। नहीं, इरावती बहुत शातिर है, वो इसे इस महल में नहीं छुपाएगी। इरावती ने वीर को जंगल में छुपाया होगा। तुम्हें लगता है जंगल में? लगता नहीं, मुझे यकीन है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ वीर को जंगल में ढूंढने। नहीं, मैं भी चलूंगी। अरे तुम जंगल में क्या करोगी? वहां खतरा है, डरावने जानवर है, और तुम्हें मैं खतरों में पली हूँ, खतरों में बड़ी हूँ, मुझे खतरों से डर नहीं लगता। ठीक है, चलो। मुंह खोलो अपना, किसने कर देने से मना किया है? मुंह खोलो। अभी सवाल नहीं, सजा मिलेगी। नहीं, क्षमा महारानी जी, क्षमा। महारानी क्षमा, गलती की है तो सजा मिलेगी। महारानी जी, हम तो कर भरना चाहते थे, पर कर भरने के लिए जो हमारे पास सिक्के थे, वो सारे सिक्के तो हमने उन्हें दे दिए। उसे किसे? उन अंतर्यामी त्रिनामी को। अब ये त्रिनामी कौन है? ब्रह्मा जी की घोर उपासना करके उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान मिला है। बहुत बड़े जादूगर हैं, अपने जादू से हमारी रक्षा करते हैं, और बदले में हमसे सिक्के लेते हैं। और हमने देखा है उनका जादू, बादलों को चीर देगा, आग हवा पानी को रोक देगा, बड़े बड़े जानवरों से हमारी रक्षा करना, और तो और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस को अपने वश में करके बंदी बना रखा है। वीर, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी।
वीर 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 दर्द में भी उसी का चेहरा नजर आ रहा है मुझे, वही है। तुम्हारे हर छल की सजा दूंगा मैं तुम्हें। वीर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। वीर मैं यहां, वीर आओ मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। राक्षस? कौन से राक्षस? बताओ मुझे कौन से राक्षस को बंदी बना के रखा है? ये क्या किया तुम लोगों ने? अपना मुंह क्यों खोला? मना किया था ना कि इनको कुछ नहीं बताना है। ये भैंसा यहाँ क्या कर रहे? भैंसे मुंह खोल, ये गांव वाले क्या बोल रहे? कौन है तेरी नामी? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है ना मैं तुझे यहाँ खड़े खड़े ढेर कर दूंगी, बता कौन है ये? अगर मैंने तुम्हें बताया ना तो वो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे और मुझे श्राप दे देंगे। अगर तुम्हें उनको मिलना है ना तुम्हें उनके पास जाना होगा। पता है वो बहुत ही शक्तिशाली है ना? मुझसे शक्तिशाली है, इरावती से भी शक्तिशाली है। तो बुलाओ सामने, मैं भी तो देखूं कि मुझसे शक्तिशाली आखिर यहाँ है कौन। बुलाओ उसे। वो किसी के बुलाने पर नहीं आते, वो तो अपनी मर्जी से आते हैं। तुम्हारे मरने पर भी नहीं आएगा। रानी इरावती को बता दो वरना। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.